फैक्ट नंबर वन, ये मैंटिस को आप देख सकते हो और इस फेमस इंसेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 30 मिलियन यानी 3 करोड़ साल से ये मैंटिस फंसा हुआ है एक एम्बर के टुकड़े में और वहाँ हवा नहीं पहुँच पाती, इसलिए उसकी बॉडी ऐसे ही पोजीशन में है इतने सालों से। ऑब्वियसली वो मर चुका है। इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है यार। फैक्ट नंबर टू, मोस्ट एक्सपेंसिव कॉइन्स इन द वर्ल्ड का ये लिस्ट देखो। फ्लोइंग हेयर डॉलर, ये बिका था 10 मिलियन डॉलर्स में यानी 70 करोड़ रुपए में सिर्फ एक कॉइन। फिर सेकंड पर है सैंड डॉलर्स डबल ईगल, ये बिका था 7 मिलियन डॉलर्स में यानी करीब 50 करोड़ रुपए में। कितना सही है। और ये पूरा लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि एंटीक चीजों की कितनी वैल्यू है। अगर आपके घर में कोई एंटीक चीज है तो आप उसे बेच सकते हो और बहुत पैसे कमा भी सकते हो। फैक्ट नंबर थ्री, स्पाइडर सिल्क जो होता है वो इतना डेंस और फ्लेक्सिबल है कि उसका जस्ट 500 ग्राम यानी आधा किलो अगर आप लोगे तो उससे पूरी धरती कवर हो जाएगी सिर्फ 500 ग्राम से। और स्पाइडर सिल्क के ऑफिशियल विकिपीडिया पेज में डेंसिटी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि इसके पीछे डीप साइंस है। अगर आप वो साइंस जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो उस विकिपीडिया पेज पर जाकर। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको आइडिया है कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बाइक किस रेंज तक हो सकती है? हम लोग सुने हैं कि ये लैम्बोर्गिनी 6 करोड़ की कार है, पर उससे भी महंगी बाइक आती है। आप हम्बल रिच के आर्टिकल में द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स इन द वर्ल्ड देख सकते हो। नंबर 5 पर है BMS नेमेसिस, इसका प्राइस है 22 करोड़ रुपए। ओ, नंबर 4 पर है हिल्डरब्रांड एंड वुल्फ मलर, ये है 26 करोड़ रुपए की बाइक। साला साइकिल है कि बाइक है बे। नंबर 3 पे आती है सॉस ES1 स्पिरिट, ये बाइक है 26 करोड़ 70 लाख की। ओ माय। नंबर 2 पर है 1949 E90 AJS पॉक्यूपाइन, ये भी कुछ अजीब सी बाइक लग रही है यार, इसका प्राइस है 50 करोड़ रुपए। और फाइनली नंबर 1 पे है नेमिन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर बाइक, इसका प्राइस है भाई 82 करोड़ रुपए, 11 मिलियन डॉलर यानी। ये बाइक क्या है ब्रो, इसकी सीट देखो यार, और इसके नीचे क्या पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही बना रखा है यार। अब है एक बोनस फैक्ट, डोमिनोज को तो आप जानते ही हैं, पापा जोन्स को भी शायद आप जानते हैं, ये सब पिज्जा बनाने की कंपनी है। तो 2011 में एक इंसिडेंट हुआ, डोमिनोज के मैनेजर ने पापा जोन्स के एक स्टोर में आग लगा दी जस्ट कि उस दिन डोमिनोज का सेल बढ़ जाए, इसलिए आग लगा दी। जी हाँ, ये बिल्कुल एक रियल घटना है, इसके भी आर्टिकल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने का, आग लगा देने का, लोगों को मारने का।